गाड़ी में बैठ कर जहां जाएगा, कहीं भी अगर जाएगा तो वो पूरे फैमिली को लेकर डूबेगा। और ये 7 शनिवार तक करना है रेगुलर। आपने ये देखा होगा कि एक गाड़ी जा रही है और गाड़ी एक्सीडेंट में किया और पूरे फैमिली मर गया, मतलब कि उसके माता पिता या पूरा फैमिली एक्सीडेंटल केसेस में मर गया। ये एक भी जातक का, जैसे कि आपके फैमिली है, फैमिली में जैसे कि हम आपको सब हर वक्त हम आपको बताते हैं कि जब भी मां प्रेग्नेंट होती है तो बहुत से उपाय करने की जरूरत होती है अच्छा चार्ट का बच्चा के लिए, क्योंकि वास्तु में अगर प्रॉब्लम्स है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। और उसके होम रेमेडी, जैसे कि किसी का वास्तु है तो आप घर बदल नहीं सकता है, तो कुछ घर के भी रेमेडीज हैं, जैसे कि हम वास्तु में हम टोटल चीज आपको बता चुके हैं। अगर किसी भी जातक के, अगर आप बच्चा है आपके घर में या कोई भी अगर आपके पास में कंसल्टेंसी करवाने आता है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी का केतु 6ठे घर में बैठा हो, केतु कहाँ पे बैठा हो, ये सब जो है आप याद कर लीजिए, नहीं तो नोटबुक है तो उसको लिख लीजिए। केतु अगर आपके 6ठे घर में बैठा हो तो राहु ऑटोमेटिक उसके 12वें घर में बैठ जाएगा, आपको पता है। अब केतु के साथ में चंद्रमा बैठा हो और यहीं पे चंद्रमा भी बैठा हो, मतलब कि राहु के साथ में चंद्रमा बैठा हो या केतु के साथ में चंद्रमा बैठा हो, और 3 ग्रह सूर्य शनि और राहु, मतलब कि कौन कौन सा, सूर्य शनि राहु या मंगल। राहु अगर होगा तो यहीं पे बैठेगा, क्योंकि राहु का तो वो फिक्स कर दिया है। अगर इस तीनों की युति अगर केंद्र को छोड़कर कहीं भी अगर बैठा हुआ है, अगर वो बच्चा, वो जातक जिस घर में, जिस गाड़ी में बैठकर जहां जाएगा, कहीं भी अगर जाएगा तो वो पूरे फैमिली को लेकर डूबेगा। तो अब ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप उसके साथ में मत जाइए, ये वर्स्ट कंडीशन में इस प्रकार की कुंडली आती है जातक का। अगर आता है तो इसका उपाय कर लीजिए, उपाय कुछ नहीं करना है इस स्थिति में, क्योंकि शनि और राहु दो ही चीज का उपाय करना है। इसमें कंबाइंड जो है दुभी का जड़ और कुश का जड़ दोनों एक साथ शनिवार को पहनना है, और दूसरे शनिवार को एक साथ चेंज करना है, दोनों काला धागा में पहनना है, और ये 7 शनिवार तक करना है रेगुलर। मंत्र डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप उसको देख लीजिए या YouTube पे चैनल पे, ये नीचे में ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मंत्र भी पढ़ना, अगर मंत्र नहीं कर आता है ना तो आप महामृत्युंजय का भी मंत्र पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी मंत्र बोले। इस प्रकार के कंडीशन अगर आपके चार्ट में होता है तो अब इस स्थिति में हमको डरना नहीं है और ना किसी को डराना है, प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है, और इसीलिए ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वास्तु पामेस्ट्री में आदमी काम करता है और इसमें एक्सपर्ट बनता है कि किसी के पास में प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर सके वो आदमी। अगर आपके पास में सॉल्व करने की ताकत नहीं है तो आपका वैल्यू मार्केट में 0 है, आप कोई काम के न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं है। तो आपको उपाय का सेक्शन जरूर आना चाहिए कि इस आदमी को कौन सा उपाय दे ताकि उसमें अच्छे तरह से वो सफल कर सके, या सपोज कीजिए प्रॉब्लम है अगर इस प्रकार की स्थिति आती है। और जब भी इस प्रकार का घटना अगर आसपास में आप देखते हैं तो उसमें से कुंडली अगर आपके पास में अगर उपलब्ध होता है तो जरूर देखने का कोशिश कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक भी कीजिए, क्योंकि फीडबैक जरूरी होता है लाइफ में ग्रो करने के लिए। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हर संडे 7 बजे हम आपके लिए उपलब्ध रहते हैं, आपके पास में कोई भी सवाल है तो हम 7 से 8 बैठ के उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। और आपका चंद्रमा और केतु अगर किसी भी घर में है तो नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं।